तो हेलो, हाँ जी नमस्ते, क्या हाल चाल। मेरा नाम अक्षय एंड वेलकम टू ऑथेंटिक अक्षय ब्लॉग्स। आज हम लोग लेके आए हैं एक ऐसा हॉट टॉपिक जिसके बारे में इतने क्वेश्चन आ रहे थे कि मैं ले आया हूँ की। और आज हम बात करेंगे की के बारे में, ओला की के बारे में। चलिए आपको दिखाता हूँ ओला की वाली। लगाते हैं अपनी ओला में की और चलते हैं। अरे इसमें तो पासवर्ड डालना पड़ेगा। जस्ट किडिंग गाइस, ये तो पासवर्ड वाली है, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो हमारा की वाली ओला है। और की वाली ओला के अंदर क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, आज बस इसी के बारे में बात होने वाली है। तो अगर हम बात करें की वाली ओला की, तो लुक्स बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। यही ऐसी हेडलाइट है, यही सेम कलर्स हैं, 7 कलर ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। बट मेरा पर्सनल बेस्ट इसका पर्पल कलर है, क्योंकि पर्पल कलर में ना ये यूनिबॉडी लगती है। जो बाकी कलर्स है ना उसमें ऐसा लगता है कि होना जा रहा हो, कहीं पे हरा दे दिया, कहीं पे काला दे दिया, अजीब से कलर है। मेरे हिसाब से बेस्ट कलर ये है, या फिर अगर आपको रेड कलर पसंद है तो रेड में भी सेम सा लुक आता है। अब बात करें, देखो लुक्स तो सेम है, पावर सेम है, बस थोड़ा सा ये है कि आपको 3 वेरिएंट में मिल जाएगी, 2 किलो, 3 किलो और 4 किलो। अब 4 किलो वाला लेके फ़ायदा है या 2 किलो वाला लेके फ़ायदा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे 2 किलो वाला अगर आपको लेना है, यानी कि अगर आपका सिटी का ज़्यादा यूज़ है, तो आप 2 किलो ले लीजिए। वो थोड़ी सी सस्ती पड़ेगी, बट मैं उसको रिकमेंड नहीं करता ज़्यादा, क्योंकि ये 3 किलोवाट की जो बैटरी है उसका ही काफ़ी कम बैकअप है। तो 2 किलोवाट का तो और भी कम होने वाला है, यानी कि आप माइनस कर दीजिए उसमें 33%। इसकी जो कवरेज है उससे 33% माइनस कर दीजिए तो वैसा बैठेगा। और 4 किलोवाट यानी कि जो प्रो के अंदर आती है बैटरी, वो वाली बैटरी आपको उसमें मिलने वाली है। उसके अंदर क्या फ़ायदा है, मान लीजिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग रन जाना है। अब ये 100 किलोमीटर चलती है मान लो, तो वो अगर 30% कम प्लस कर दें उसमें तो 130 चली जाएगी। तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि ये 1 लाख की आती है, और वो 1,20,000 अगर सब्सिडी वगैरह काट दें तो शायद 1,05,000-6,000 रुपये की आपको पड़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से 4 किलोवाट की अच्छी रहेगी। और 2 किलोवाट इतना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बट जो लोग हैं या बुजुर्ग आदमी हैं, घर में कोई है कि भाई पेट्रोल बचाना है, और उस प्रोस्पेक्टिव से आप लेना चाह रहे हैं, तो 2 किलोवाट भी मोर देन इनफ है। और अगर हम बात करें की कहाँ पे लगने वाली है, की कहाँ पे लगने वाली है, तो की उसकी यहाँ पे लगेगी। मैं आपको दिखा देता हूँ, इस जगह पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा जैसे नॉर्मली एक्टिवाज में होता है। तो यहाँ पे इसकी जगह, यहाँ पे तो ये ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे उसमें की वाला ऑप्शन आ जाएगा। और जो उसकी डिस्प्ले है ना, जैसे इसके अंदर 5.5 इंच की डिस्प्ले है, उसके अंदर 3 इंच की डिस्प्ले आपको मिलने वाली है। और साथ ही में जो इसके अंदर मोबाइल कनेक्टिविटी है या बाकी सब चीज़ें हैं, वो उसके अंदर नहीं मिलने की। ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिलने वाला है, ना मोबाइल ऑपरेटिंग होने वाली है, ना कोई मैप्स मिलने वाले हैं। तो ये सारे चेंजेस इसमें उस वाली में रहेंगे। ये इसका प्लस वर्जन इसी वजह से है कि इसके अंदर ये सब मोबाइल कनेक्टिविटी वगैरह जो फीचर्स हैं ये ऐड। अगर हम बात करें इसकी पावर की, जो मोटर है वो सेम मिलने वाली है। इसके अंदर 6 किलोवाट की मोटर मिलने वाली है, जो कि काफ़ी अच्छी पावर देती है। मैं आपको बता सकता हूँ कि मैंने ड्रैग रेस करके देखी है, बाकी जितनी भी स्कूटीज हैं उनसे तो बहुत आगे निकल जाती है। स्पोर्ट्स मोड इसका बहुत ही खतरनाक है। आपको कभी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं होगी कि यार क्या ले लिया, अगर आप पावर की बात करें तो। और अगर गद्दी की बात करें, सेम गद्दी मिलने वाली। बूट स्पेस की बात करें तो वही सेम बूट स्पेस उसके अंदर आने वाला है, वही इसके अंदर आने वाला है। 32 लीटर का बूट स्पेस है। इतना बड़ा मेरा जिम बैग इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसके अंदर इसका चार्जर है, तो उसके बाद ये फुल हो गया है, अभी इसके अंदर और सामान नहीं आ सकता। तो 32 लीटर का बूट स्पेस मुझे लगता है किसी भी कन्वेंशनल मोटपैड्स में आता है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा बूट स्पेस इस सेगमेंट में ओला देती है, उसके अलावा कोई नहीं देता। आई थिंक मैंने इसके जो मेजर पॉइंट थे वो सब कवर कर लिए हैं। इसके लुक्स, इसकी पावर, इसका बूट स्पेस, एवरीथिंग, मुझे लगता है मोबाइल वगैरह सब कुछ मैंने कवर कर लिया है। बट अब इसका जो मेन पॉइंट है, जो मेन इसका USP रहेगा, वो है इसका प्राइस। अब क्या लगता है 1,20,000 में वो वर्थ है या नहीं है? 1,20,000 और ये अब मिल रही है 95,000 की ऑन रोड। मैं ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, एक शोरूम की बात नहीं कर रहा हूँ। वो 1,20,000 की बढ़ रही है, ये 95 की बढ़ रही है। और अगर हम बात करें कि अभी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, बुकिंग करा लेनी चाहिए या नहीं करा लेनी चाहिए, अब देखिए मेरे हिसाब से अभी तो नहीं करानी चाहिए। थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, वो जैसे ही आएगी हम उसका रिव्यू करेंगे, उसके बारे में दिखाएंगे, उसके बारे में बताएंगे, उसके बाद तब तक आप रुक सकते हैं। क्योंकि
अभी मैं इसके बारे में इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि जब मैंने ये ओला S1 X+ ली थी तो मैंने भी ऐसे ही जाके ले आया था कि यार अच्छी है, इसके फीचर्स वगैरह देख के मैंने चला के नहीं देखी थी, मुझे इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में उतना नहीं पता था। तो मैं नहीं चाहता कि आपका जो पैसा है वो वेस्ट हो, पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है, तो मैं नहीं चाहता आपका पैसा वेस्ट हो। कुछ लोगों ने तो आग लगा दी इसके अंदर कि यार बहुत बेकार प्रोडक्ट है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी अपने पैसे में आग लगाए यार। तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लो, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगा जैसे ही ओला S1 X 4 किलो या 2 किलो जो जो भी आएगा सिटी में, तो मैं उसको कवर। मेरे हिसाब से उसमें इतने बक्स नहीं होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि वो की में आ रही है, और जैसे अपनी ओला की वो सॉरी TVS की iQube है, बजाज का चेतक है, उनमें इतने बक्स इसलिए नहीं है क्योंकि वो सॉफ्टवेयर से काम ही नहीं करते, चाबी वाला सिस्टम है, चाबी लगाओ अपने चलते बनो। इसके अंदर वो सिस्टम नहीं है, इसके अंदर ओला ने सोचा यार कि पता नहीं क्या ही कर दूँ, इसके अंदर कंप्यूटर बना दूँ इसे, तो कंप्यूटर बनाने के चक्कर में ये साली स्कूटी भी नहीं रही, तो वो दिक्कत मुझे लगता है उसके अंदर नहीं होगी क्योंकि वो चाबी के साथ आ रही है, सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको लेने से पहले उसे देख लेना, आप 1-2 महीने का अगर वेट कर सकते हैं तो आपका बहुत पैसा बच सकता है, आपका फ़ायदा हो सकता है। मेरे लिए इस वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बेस्ट पार्ट जो भी वीडियो का लगा हो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने चैनल पर, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आ रहे हैं, बस आपका थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ नाइस डे।